हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? गाइस आई होप सब मस्त होंगे। तो गाइस, आपने पहले ब्लॉग में देखा तो हम गांव आए हुए थे और खेती किसानी वाले काम हो रहे हैं। गाइस यहां पे बहुत जोरों शोरों से देखना, किसान अपनी अपना सोना खेतों में से घर ले जा रहा है। इसका मीनिंग यही होता है यार, जॉब वगैरह कोई करता नहीं है तो यही होता है उसका, जो भी कुछ होता है किसान का। तो अभी तो हम भी जा रहे हैं, हम भी किसान हैं, जय जवान जय किसान। तो अभी जा रहे हैं गाइस हम भी हमारे खेतों पे, और कल रह गया था थोड़ा ढोने के लिए, तो वो उसको देखना है कैसा क्या सीन रह रहा है वहाँ का, उसका ढुल के फरी ये खेत है हमारे यहाँ पास पे, इसका भी डुबवाना पड़ेगा। और आदमियों की इतनी किल्लत है, मतलब आदमी मिल नहीं रहा जो काम करने वाले मजदूर होते हैं, तो 500 रुपये 400 रुपये मांग रहे हैं। तो थोड़ा बहुत हमें भी आदमी तो मिल कर लेते हैं, मगर थोड़ा बहुत हमें भी हेल्प करवाना पड़ता है, उनको रखवाना ऐसा वैसा। और रात में 2 बजे तक गाइस, 2 बजे तक हमने थ्रेसर चलवाई थी वहाँ पे, तो समझ ही रहे होंगे आप कितना संघर्षमय जीवन होता है एक किसान का। हिंदी मीटिंग आ गया मर्ड, और कितना घाम हो रहा है अभी भी देखना भाई साहब। फिर भी देखना, बंदे लगे हुए हैं काम करने के लिए फिर भी। तो अभी चलते हैं हम भी हमारे खेत पे, आ तो गए हैं, पापा वगैरह आ रहे हैं, उनका वेट चल रहा है और वो मजदूर तो लगे ही हुए हैं काम करने के लिए। तो चलें चलते हैं। देख रहा है भैया ऐसे हुई पड़ी है हमारी। अब चलते हैं गाइस घर के लिए, बहुत मतलब ये ढुल गया जो दो बड़े बड़े डब्बू बता दिखे होंगे आपको, और आप जानते नहीं होंगे ये ढुलना मुलना जी क्या होता है, ढोना मतलब बकरा भी नहीं जानते होंगे, करपा भी नहीं जानते होंगे। ये छोटे छोटे जो पीस होते हैं ना जी, अपन काटते हैं इसके, उनको करपा वगैरह बोलते हैं। ओपन को इकट्ठा करके एक बड़ा कर वो बड़ी चीज़ बन जाती, फिर उसको एक बड़ा सा ढाबू हो जाता है, एक पहाड़ टाइप का होता है ना, उससे बोलते हैं डब्बू टाइप है। वो इकट्ठा करके अब थ्रेसर लगवाएंगे आज या कल में ये, और ये वो खेत का तो पता नहीं क्या सीन रहेगा भाई साहब। अपन ही बस के नहीं है अब, अभी तो बहुत टाइम हो गया गाइस, 12 बज गए हैं और खाना खाने अब हम जा रहे हैं। ये काम फिनिश हो गया है इसका। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट करते रहिए यार, या मेरी बहुत ख़राब वाली हालत हो गई है। अभी चलते हैं गाइस घर, खाना पीना खा के फिर बात करते हैं आपसे। पेठा भी मंगाया उन्होंने, तो पेठा भी लेकर आते हैं। बहुत देर के लगे सुबह से पानी वगैरह भी खत्म हो गया था, तो पानी और पेठे दोनों ले जा रहे हैं, और फिर देखकर थोड़े बहुत बैठेंगे वहाँ पर। अर अर कर रही है, फलम फलो जे टोली मसला है। जिप्पे तू मराई 3300 रुपया हम कड़वाने पा रहा हूं, और 6 दिन हो गए इने लेवार के पीछे फिरा लेवार पीपिया का फिर में जब आता इने 3500 रुपया हम वो 3300 रुपया हम काड़ रहा हो, तो और जेने 4 दिन पहले इनको भोजन ना मिल जाए बेटे। उना उना मोड़ आयो, तुम परेशान कर रहे हो भाई। 1 आवर लेटर गाइस देख रहे हो आप, सुबह से यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ, और अभी रिलैक्स बैठे हैं थोड़ी देर तक, और फिर पापा दोबारा हमसे बुलाने जा रहे हैं। शायद अब हमारा काटने वाला है मशरा। अभी जालका के साथ में बैठे थे हम, रिलैक्स करते हैं यार, मंदिर के पास में बैठे हैं। अभी देखना ये अपना मंदिर रहा, यहीं के पास में जस्ट अपना एक और फार्म है, फार्म हाउस, तो उसमें सब कुछ रखा रहता है। तो अभी पापा बुलाएंगे तो फिर जाना पड़ेगा यार। हल्का तो फ्री बैठे हैं, नंद कुमार भाई सॉरी भाई, हमारी ऑडियंस से क्या वो क्या बोलना चाहोगे आप भाई? सपोर्ट करें हमको है, मुझे बोलें सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। अब तो धनकर और भाई ने बोल दिया यार, कर लो भाई।
गाइस यहाँ पर मैं मंदिर के पास आया था गाइस ब्लॉग को एंड करने। गाइस अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें एंड हैप्पी होली। तो मिलते हैं अगले होली वाले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।